अगर मुझे चाहिए कि मुझे एक स्क्वायर बनाना है 12 फुट बाई 12 फुट का, ठीक है, तो मैं नॉर्मली यहाँ क्लिक करूँगा और इसे ऐसे ड्रैग किया, मैं लिखूँगा 12 फुट कॉमा 12 फुट, एंटर, और आप देखेंगे ये अपने आप एक स्क्वायर बन चुका है। हेलो गाइस, मैं अविनाश और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ रेक्टेंगल टूल। जैसे ये है, शेप्स में आप जाएंगे तो इसमें चार अलग अलग तरीके के शेप्स हैं। तो इसमें पहला है रेक्टेंगल, तो मैं आज आपको रेक्टेंगल बताऊँगा, ठीक है। तो रेक्टेंगल के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं, नॉर्मली यहाँ पर आर प्रेस करेंगे तो आपको रेक्टेंगल आ जाएगा। जैसे कि अभी ये मेरा सेलेक्ट टूल है, अगर आपने सेलेक्ट टूल की वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देख सकते हैं। अभी मेरे हाथ में है सेलेक्ट टूल, ठीक है। तो जैसे ही मैं आर प्रेस करूँगा ये रेक्टेंगल में आ जाएगा। देख सकते हैं आप, यहाँ सिलेक्शन भी आ गई है रेक्टेंगल की, ठीक है। तो एक तो ये है कि आपने आर प्रेस किया, रेक्टेंगल आया और एक नॉर्मल सा रेक्टेंगल बनाया। मैंने पहले लाइन टूल भी बताई है, तो अगर आपने लाइन टूल की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। लाइन के लिए एल प्रेस करना था, हम एल प्रेस किया, आप देख सकते हैं लाइन टूल पे हम आ गए नॉर्मली। तो हम लाइन की मदद से भी रेक्टेंगल बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये हो गया, आप देख सकते हैं मैंने एक ईजली सा रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। ये तो दो तरीके हो गए। आप ये देखिए, ये टेढ़ा हो गया। आपको व्यूज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अब ये देखिए, ये खड़ा हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल हो गया नॉर्मली। रेक्टेंगल्स में अब देखिए, आप अगर मेरी शॉर्ट वीडियोस देखते हैं 1 मिनट की, टिप्स एंड ट्रिक्स, तो उसमें मैंने आपको एक बताया है कि जैसे अगर मुझे चाहिए कि मुझे 12 बाई 12 की एक स्क्वायर बनाना है, 12 फुट बाई 12 फुट का, ठीक है, तो मैं नॉर्मली यहाँ क्लिक करूँगा और इसे ऐसे ड्रैग किया, मैं लिखूँगा 12 फुट कॉमा 12 फुट, एंटर, और आप देखेंगे ये अपने आप एक स्क्वायर बन चुका है। जैसे कि अब मैंने डायमेंशन देखा, ये नॉर्मली 12 बाई 12 का बन चुका है, ठीक है। तो उसी तरीके से एक और तरीके से हम बना सकते हैं इसी में, जैसे ये सिलेक्शन है। तो अब हम, जैसे मैंने आर प्रेस किया, रेक्टेंगल पे आए और मैंने सेलेक्ट किया। अब जैसे ही मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा तो यहाँ कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर हम देखते हैं, ये देखिए आप देख रहे हैं इसे, ये सेंटर से वर्क कर रहा है। अगर मैं इसे स्पेस कमांड करके बाहर आता हूँ और मैं फिर से रेक्टेंगल लेता हूँ, तो आप देखिए एक कॉर्नर से आगे बढ़ता है ये, कहीं भी एक कॉर्नर से। लेकिन जैसे ही मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ, ये देखिए, आप देखेंगे कि पेंसिल का जो पॉइंट है वो रेक्टेंगल के सेंटर में शो कर रहा है, और जैसे ही मैं इसे फिर से कंट्रोल प्रेस करता हूँ ये सेंटर में कॉर्नर पर आ जाता है, ठीक है। तो अब मैं इसी सेंटर को लेकर, अब मैं यहीं पे वही डायमेंशन डालूँगा, 12 फिट कॉमा 12 फिट, एंटर। अब देखिए ये भी 12 फिट बाई 12 फिट का ये बन गया है स्क्वायर, ठीक है। ये जो सेंटर वाली चीज़ है वो ज़्यादातर चीज़ें तब काम आती है जैसे कभी आप रेलिंग्स वगैरह बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं। जैसे मैंने ये रेलिंग्स की एक स्टैंड आउट बनाई, ठीक है, और मुझे अब यहीं पे चाहिए, तो मैं नॉर्मली एक रेक्टेंगल लिया, मैंने कंट्रोल प्रेस करते ये सेंटर में आया, और उसके बाद आपको जिस एक्सिस पे चाहिए आप उस पे बना सकते हैं। ऐसे ही है, तो मैं यहाँ पे 1 फुट कॉमा 1 फुट एंटर करूँगा, तो ये देखिए ये 1 फुट
एक फुट का बन चुका है, ठीक है। तो यही है। अब आप इन रेक्टेंगल्स को मिलाकर आपस में कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी शेप, मतलब क्यूब बना सकते हैं जैसे। तो नॉर्मली वही हो गया, हमें एक रेक्टेंगल बनाया और दूसरी साइड से ये रेक्टेंगल बनाया। अब हमें ऊपर क्यों ले जाना, ये देखिए नॉर्मल ऐसे, बस आप लाइंस और उसका ध्यान रखना है प्रॉपर, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल बनेगा, ये वो आप पे डिपेंड करता है। तो जैसे ही आप इन सब को मिलाएंगे ये एक और क्यूब बन जाएगा, देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो आप अगर मुझे डायरेक्ट मैसेज करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट मुझसे बात करनी है तो आप नीचे लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन पे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और आप मुझे डायरेक्ट मैसेज से बात कर सकते हैं। थैंक यू। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।